नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च, दिन रविवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड 12वीं का आंसर की आउट। बिहार टी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। अपराधियों की सूचना देने के लिए डायल करेंगे नंबर। पवन सिंह को लोकसभा के चुनाव के लिए आसनसोल से भाजपा ने दिया टिकट। बिहार में जिला मुख्यालय से कनेक्ट होंगे सभी कस्बे व पंचायत। दुकान में पीवीसी आधार कार्ड बनवाने को लेकर जानिए नियम। आईपीएल 2024 को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारी शुरू। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के इतने पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के 277 पदों पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च 2024 से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट nlcoindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री या केमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्राप्त की हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं का आंसर की आउट। बिहार ने 12वीं के आंसर की को रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके पहले जनवरी 2024 में प्रैक्टिकल की परीक्षा का आयोजन हुआ था। वहीं हाल में ही 10वीं की परीक्षा ली गई थी। दोनों ही कक्षाओं के नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे। 12वीं के आंसर की को छात्र बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर आपत्ति होने से छात्र इसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों को 5 मार्च तक का समय दिया गया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे नरगौना पैलेस के बारे में। नरगौना पैलेस बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। ये महल देश के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा महाराज की हवेली थी, जिसकी खूबसूरती आधुनिकता आज भी बरकरार है। इसका निर्माण दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1934 में करवाया था। इसकी डिजाइन तितली नुमा देखने को मिलती है। इस महल की खासियत ये है कि इसमें मौजूद सभी कमरे के दरवाजे सीधे सामने की तरफ खुलते हैं। किसी भी कमरे के दरवाजे को खोलते ही आप पूरी हवेली घूम सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इसी महल को बनाने के लिए किया गया था। यदि आपको इस महल की खूबसूरती को देखना है तो आप यहां भ्रमण के लिए आ सकते हैं। अपराधियों की सूचना देने के लिए डायल करें ये नंबर। बिहार में पुलिस को अपराधियों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14432 डायल करें। इसके जरिए आसानी से पुलिस को अपराधियों की सूचना दी जा सकती है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस नंबर को जारी कर दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति को पहचान को गुप्त रखा जाएगा, उनके नाम और पता को भी सुरक्षित रखा जाएगा। पुलिस के द्वारा घोषित अपराधी और नक्सली को गिरफ्तार कराने में मदद करने पर संबंधित व्यक्ति को इनाम भी दिया जाएगा। दुकान में पीवीसी आधार कार्ड बनवाने को लेकर जानिए नियम। दुकान में पीवीसी आधार कार्ड बनवाने को लेकर नियम की जानकारी होनी चाहिए। मालूम हो कि UIDAI ने इसे अमान्य घोषित किया है। अगर आप किसी दुकान या साइबर कैफे से पीवीसी आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसे अमान्य घोषित किया गया है। कहते हैं कि ऐसे आधार कार्ड में सुरक्षा के फीचर की कमी होती है, इसलिए बाहरी दुकानों से आधार कार्ड बनवाने के बजाय UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से बनवाना इससे जरूरी है। इसके लिए आपको वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करना होगा। साथ ही अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करके माई आधार सेक्शन पर क्लिक कर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का चयन करना होगा। मोबाइल नंबर की डिटेल और OTP को डालकर 50 रुपये की राशि भुगतान करने के साथ ही कुछ दिनों के अंदर आपके पते पर पीवीसी आधार कार्ड बनकर आ जाता है। बिहार में जिला मुख्यालय से कनेक्ट होंगे सभी कस्बे व पंचायत। बिहार में जिला मुख्यालय के शहरों को अलग अलग प्रखंडों और कस्बों पंचायतों से जोड़ने के काम किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 2005 का रूट निर्धारण किया है। इसमें जल्द ही गांव और पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इसमें पंचायतों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा, उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुँचने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अंतर क्षेत्रीय मार्गों में 96 को पटना से जोड़ा जाएगा। इलाकों को पटना से जोड़ने का काम जारी है। बस सेवा से सुदूर इलाकों को जोड़ा जाएगा, इसके लिए रूट का निर्धारण किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने साल 2025 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी की शुरू।
बिहार बोर्ड की ओर से साल 2024 की परीक्षा हो जाने के बाद अब साल 2025 की परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2025 में 3 जगहों पर एग्जाम की केंद्रीकृत व्यवस्था की जाएंगी। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि कॉलेजों में परीक्षा केंद्र का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बाद जिले के परीक्षा केंद्रों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सूची मंगवाई है। अब कॉलेजों में परीक्षा का केंद्र नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल नहीं है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे में 3 क्षेत्रों में इसे बांटा जाएगा, आगे की सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन हो सके, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बिहार टी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। बिहार टी को नई पहचान मिली है, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है। मालूम हो कि राज्य में चाय की खेती की जाती है, इसके व्यापार चिन्ह को रजिस्ट्री मिली है। इसके साथ ही बिहार के चाय को अब अलग पहचान मिल गई है। जानकारी के अनुसार ट्रेडमार्क के स्वीकृत हो जाने के बाद इसका सीधा लाभ अब यहां के चाय उत्पादकों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री अधिनियम 1999 के तहत भारत सरकार के द्वारा ट्रेडमार्क को जारी किया जाता है। इसका कार्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसके द्वारा बिहार टी को ट्रेडमार्क दिया गया है। गैस पाइप के एक्सपायरी की इस ऐप से मिलेगी जानकारी। गैस के पाइप से लीक होने के कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके एक्सपायरी डेट को चेक करना काफी जरूरी होता है। इसके साथ ही सुरक्षा का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। BIS केयर ऐप के उपयोग से गैस पाइप के एक्सपायरी के डेट जांच किए जा सकते हैं। गैस पाइप पर लाइसेंस की डेट का जिक्र होता है। वहीं भारत सरकार की BIS ऐप से ऑफ इंडियन प्रमाणित चीजों की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। इस ऐप को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं गैस पाइप की एक्सपायरी के लिए इस ऐप में वेरीफाई लाइसेंस डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको गैस पाइप से जुड़ी तमाम जानकारी आसानी से मिल जाएंगी। बिहारी बातें स्पेशल में आज हम बात करेंगे मगफूर अहमद आजादी के बारे में। मगफूर अहमद आजादी का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1900 में बिहार के मुजफ्फरपुर में सकरा ब्लॉक में हुआ था। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में लग गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने मुठिया अभियान के माध्यम से धन एकत्र किया था। ये साल 1960 में मुजफ्फरपुर में आयोजित उर्दू सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने पहली बार एक प्रस्ताव पारित किया था जहाँ उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर बिहार में स्वीकार करने की मांग हुई थी। बिहार के जिले में मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण। बिहार के सुपौल जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार 3 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 3 साल की डेडलाइन का फैसला लिया गया है। सरकार का प्रयास होगा कि इस अवधि से पहले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। बताया जाता है कि 26 एकड़ की जमीन पर 603.68 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज को बनाया जा रहा है। इस अस्पताल में कुल 630 बेड होंगे। यहां छात्रों और शिक्षकों के लिए आवासीय भवन का भी निर्माण किया जाएगा। 6 मार्च को बेतिया आएंगे PM मोदी। 20,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन। पश्चिम चंपारण के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी बेतिया स्थित भाजपा कार्यालय से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, स्थानीय विधायक सह पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस दिन बेतिया में स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास कार्य होगा। इसके अलावा यहां रक्सौल से ट्रेन का उद्घाटन होगा। वहीं यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इससे यहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। अपकमिंग वेब सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा का दिखा जलवा। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब जलवा बिखेर रही हैं। उनकी तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इसमें वे पेस्टल गुलाबी रंग के भारी जटिल सरारा सूट में नजर आ रही। फिलहाल एक्ट्रेस अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के निर्माण कार्य में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण संजय लीला भंसाली की अगुवाई में किया जा रहा है। लोगों को सोनाक्षी सिन्हा का कम मेकअप वाला अंदाज खूब पसंद आ रहा है। मालूम हो कि वेब सीरीज हीरा मंदिर डायमंड बाजार में अभिनेत्री मनीषा कोइराल, अदिति राव हैदरी, सरलीन सहगल और संजीदा शेख भी नजर आने वाली हैं। इनकी कहानी साल 1940 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। प्रदेश के कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही से बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बारिश की संभावना चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण हुई है। बदलते मौसम के साथ ही तापमान में भी कमी देखने को मिल सकती है। आज प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना देखने को मिली।
वहीं प्रदेश में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात तो कई स्थानों पर तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना बताई गई है। पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के आसनसोल से भाजपा ने दिया टिकट। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया है। पवन सिंह का पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। फिलहाल इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह अब उन्हें टक्कर देंगे। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 34 केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भोजपुरी के कलाकारों पर भरोसा जताया है। भाजपा ने पवन सिंह के अलावे मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है। मनोज तिवारी पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। ये इसी सीट से सांसद है। वहीं रवि किशन को गोरखपुर सीट दी गई है। ये यहाँ से एमपी हैं। जबकि यूपी की आजमगढ़ की सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा ने टिकट दिया है। ये पहले से सीट पर सांसद हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। अरवल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बोतल को बरामद किया है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर शराब तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी कड़ी में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि औरंगाबाद से शराब की बड़ी खेप को लाया जा रहा है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने एक वाहन का पीछा करते हुए शराब को पकड़ा, लेकिन शराब तस्कर भागने में सफल रहा है। पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है। चुनाव संचालन के नियम में हुआ संशोधन। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से विमर्श के बाद चुनाव संचालन के नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने पिछले 11 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के पैटर्न को देखकर इस संशोधन का फैसला लिया था। दरअसल मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की संख्या अधिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट पर वोट करने की उम्र को 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है। इसके बाद अब 85 साल से कम उम्र के मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचना होगा। इससे पहले 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई थी। आज गांधी मैदान में होगी महागठबंधन की भव्य रैली। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की भव्य रैली होगी। रैलियों के बारे में कहते हैं कि लालू यादव की छवि रैलियों वाले नेताओं की रही है। रैलियों से ही लालू यादव ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था। रैलियों से ही लोगों के बीच अपनी बातें रखी जाती थी। वहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी की ओर से आज की रैली का भव्य इंतजाम किया गया है। इस रैली से पहले तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की थी। इसमें उन्होंने लोगों को महागठबंधन की रैली में आने का निमंत्रण दिया था। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की थी। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की रैली को काफी अहम माना जा रहा है। औरंगाबाद में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर किया प्रहार। बेगूसराय में कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन बिहार पहुंचे। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एनडीए की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। पीएम ने 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही 1,62,000 करोड़ की 45 परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने बटन दबाकर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए परिवारवाद वाली पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है। इधर बेगूसराय में पीएम मोदी ने 13 योजनाओं की शुरुआत की और कहा कि जब जब बिहार समृद्ध हुआ है तो भारत भी सशक्त हुआ है। बिहार के हालात बिगड़ने पर इसका असर देश पर भी पड़ता है। इसके विकास से देश का विकास होगा और यहाँ का विकास वादा नहीं है बल्कि एक संकल्प। सीएम नीतीश कुमार का बयान, अब एनडीए को छोड़कर नहीं जाएंगे इधर उधर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20 महीने के बाद बिहार के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। इसके बाद सीएम नीतीश और पीएम मोदी एक ही हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। बेगूसराय की रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वह एनडीए को छोड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, ये खुशी की बात है। आप पहले आए थे तो हम गायब हो गए थे, लेकिन अब हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे, कहीं और इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 400 सीट एनडीए जीतेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। विकास होने पर इसका श्रेय हम आपको देते रहेंगे, इसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। लोगों को आपस में विवाद करने के बजाय मिलजुल कर काम करना चाहिए।
आईपीएल 2024 को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारी शुरू। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। इसको लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले मैच में सीएसके का आरबीसी से सामना होने वाला है। इससे पहले चेन्नई में फ्रेंचाइजी ने एक कैंप का आयोजन किया है, इसको लेकर खिलाड़ी यहां आ चुके हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कब पहुंचेंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वहीं एमएस धोनी को सभी ने राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में आते देखा था। आपको बता दें कि सीएसके के कैंप में पेसर दीपक चाहर, मुकेश कुमार, सिमरनजीत सिंह, राजवर्धन हांगरगेकर, प्रशांत सोलंकी और अजय मंडल पहुंचे हैं। इसमें सबकी नजरें दीपक चाहर पर हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने तुकारोई की लड़ाई में बंगाली सेना को हराया था। आज के दिन वर्ष 1939 में महात्मा गांधी भारत के मुंबई शहर में निरंकुश शासन के विरोध में तेजी लाए। आज के दिन वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में मेघालय में नई विधानसभा के लिए चुनाव में 75% मतदान हुआ था। साथ ही केंद्र सरकार ने धन लक्ष्मी नामक नई योजना शुरू की थी। आज के दिन वर्ष 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्मार्ट यूनिट योजना को लॉन्च किया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम पर वायरल हो रहे इस लकी ड्रॉ के बारे में। इंटरनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में हमें सोशल मीडिया के जरिए एक और वायरल खबर देखने को मिली जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम पर फैलाई जा रही थी, जहां कहा जा रहा था कि इंडिया पोस्ट के इस लकी ड्रॉ के जरिए आप 6,000 रुपये जीत सकते हैं और इसके लिए आपको आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरह से फर्जी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा ऐसा कोई भी लकी ड्रॉ नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए इस तरह की खबर पर विश्वास ना करें और शेयर करने से बचें। कड़ी आलोचना के बाद प्ले स्टोर पर शादी.com और नौकरी व अन्य ऐप हुए बहाल। शनिवार को प्ले स्टोर से हटाए गए भारतीय डिजिटल कंपनियों के कुछ ऐप्स को गूगल द्वारा फिर से बहाल करना शुरू कर दिया गया है। गूगल ने ऐसा तीव्र आलोचना का सामना करने के बाद किया है। मीडिया में चले खबरों के मुताबिक शादी.com, InfoAge की नौकरी, 99 एकड़ और नौकरी गल्फ व अन्य ऐप को बहाल किया जा चुका है। आपको बता दें कि InfoAge के सह संस्थापक संजीव बिगचंदानी ने एक्स के पोस्ट के जरिए कहा है कि कई InfoAge ऐप्स प्ले स्टोर पर वापस आ गए हैं। हितेश और पूरी InfoAge टीम के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रयास किया गया और इसके लिए पूरी रात जागते रहे। 1,000 से अधिक अमृत भारत ट्रेनों का होगा निर्माण। भारत में आने वाले साल में 1,000 से अधिक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार देश में 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा रेलवे की ओर से वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात पर भी काम किया जा रहा है। आने वाले सालों में वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात भी किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का एक बड़ा सामाजिक दायित्व है। हर साल लगभग 700 करोड़ लोगों को ये ले जाते हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि रेलवे में यात्रा करने पर लोगों को औसतन 55% तक की छूट दी जाती है। अगर एक व्यक्ति को ले जाने की लागत 100 रुपये है तो हम उनसे 45 रुपये लेते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए है 29 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 1 मार्च, ऑप्शन डी है 2 मार्च। इसका सही उत्तर है 29 फरवरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहां में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में, ऑप्शन बी है नोएडा के कन्वेंशन सेंटर में, ऑप्शन सी है जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में, ऑप्शन डी है हरियाणा के कन्वेंशन सेंटर में। इसका सही उत्तर है जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? ऑप्शन ए है 42वीं रैंक, ऑप्शन बी है 44वीं रैंक, ऑप्शन सी है 45वीं रैंक, ऑप्शन डी है 48वीं रैंक। इसका सही उत्तर है 42वीं रैंक। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन बी है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हिंदी के प्रथम कवि सरहद पाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है नालंदा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय कुशवाहा, विकास दास, सरदानंद झा, अमर आजाद, रंजीत मिश्रा, शंभू सोनी, रामनवमी मांझी, शिव कुमार पासवान, रवि कुमार राम, अमरनाथ झा, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, अतीक खान, राज कपूर शर्मा, मनोज कुमार सोनी, पंकज कुमार दास, तुलसी ठाकुर, संघर्ष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार महागठबंधन की रैली से एनडीए को नुकसान होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।